भी है ये कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना परसेंट क्लेम देती है। यहाँ पे भी हमें टर्म्स एंड कंडीशंस में ही ध्यान रखना पड़ता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना परसेंट क्लेम देती है हमारी गाड़ी के थेफ्ट पे। एक होता है कैशलेस वे, एक होता है रीइंबर्समेंट वे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीकल इंश्योरेंस को लेके। दरअसल बहुत से लोग जो है इंश्योरेंस टाइम लेते वक्त कंफ्यूज होते हैं और बाद में जब क्लेम लेने का वक्त आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि इस चीज पे क्लेम नहीं मिलेगा या ये वाला उनके पास इंश्योरेंस है। काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनके आगे रख दी जाती हैं क्योंकि वो पहले पढ़ते नहीं है, सीधा जो है साइन कर देते हैं पेपर्स पे। तो आज हम पूरे इंश्योरेंस को जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या कुछ है इंश्योरेंस में। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस के टाइप समझते हैं। इंश्योरेंस जब भी आपने करवाया होगा तो आपने दो चीजें हमेशा सुनी होंगी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। दरअसल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। एक बार एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में एक्चुअली होता क्या है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी के लिए, यानी कि आप व्हीकल से चल रहे हैं, आपने किसी भी गाड़ी को हिट कर दिया या किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया, तो उस केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को पैसा देगी। यानी जिस गाड़ी को आपने हिट किया है या जिस पेडेस्ट्रियन को आपने हिट किया है उसके हॉस्पिटल का खर्चा या दूसरी गाड़ी के ठीक होने का खर्चा, वहां पे जो है इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसे देती है। ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब आते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पे। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपको जो है क्लेम मिलता है, यानी आपकी गाड़ी पे डैमेज हुआ तो वहां पे जो है आपको पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी। अब थर्ड पार्टी तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, लेकिन फर्स्ट पार्टी के बिना जो है गाड़ी शोरूम से बाहर आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आजकल जो आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आ रहे हैं कि दोनों इंश्योरेंस जो है आप कंबाइन ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी टर्म्स आ जाती हैं कि आप एक साल के लिए लेना चाहते हैं, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, पांच साल के लिए। तो थर्ड पार्टी जो होता है पहले जो था एक साल के लिए हुआ करता था, लेकिन जो है गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी कर दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी इसमें ऑफर देना स्टार्ट कर दिया। अगर पांच साल के लिए लोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। इसलिए जो है आजकल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आ गए हैं, आप दोनों दोनों जो है साथ में ले सकते हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी। दोनों का पीरियड भी आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पांच साल के लिए आपको लेना है, एक साल के लिए लेना है, जैसा आपकी इच्छा हो। अब ये सब था थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। अब बातें इंश्योरेंस के टाइप्स पे। आप जब भी इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपने ये चीजें जरूर सुनी होंगी, जीरो डेप्ट इंश्योरेंस, आईडीवी, रिटर्न टू इनवॉइस, ये ऐसी चीजें काफी सारी आपने सुनी होंगी इंश्योरेंस करवाते वक्त। तो एक बार इन चीजों को जानते हैं, इन चीजों का क्या मतलब है। दरअसल पहले क्या होता था, पहले कोई भी ऐसा टाइप नहीं होता था, सिर्फ एक ही इंश्योरेंस होता था और काफी चीजें जो है कवर भी नहीं होती थी इंश्योरेंस में। जैसे कि अगर मैं आपको कोई केस बताऊं तो आप जब भी गाड़ी आपकी डैमेज हो गई तो हो सकता है आपको ग्लास पे इंश्योरेंस ना क्लेम ना मिला हो सकता है आपको प्लास्टिक पार्ट्स पे क्लेम ना मिला हो सकता है आपको फाइबर पार्ट्स पे क्लेम ना मिला हो। तो पहले ऐसी काफी सारी चीजें होती थी, तो इसी को देखते हुए आया है जीरो डेप्ट इंश्योरेंस, जिसमें आपकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर कवर होती है। यानी आपकी गाड़ी में कुछ भी डैमेज हो जाए तो वो सब होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम, आप उनसे पूरा पैसा ले सकते हैं। अब एक और चीज होती है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब ये होता है जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, जब आपने उन्हें बोला कि हाँ मुझे रिटर्न टू इनवॉइस चाहिए, तो ये एक टर्म होती है। जब भी आपकी गाड़ी चोरी होगी या डैमेज होगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम आएगा तो उतना पैसा आपको मिलेगा जितना आपके इनवॉइस पे था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बाइक लेते हैं, आपकी इनवॉइस वैल्यू जो है उस पर 86,000 रुपीज है, तो आपकी गाड़ी आपकी बाइक जो है वो चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है 86,000 रुपीज पूरे दे देगी। इसके बाद आता है एक आईडीवी। ये आपने काफी ज्यादा अकाउंट्स बुक्स में भी सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे रिटर्न टू इनवॉइस में आपको पूरी वैल्यू मिल रही थी, तो आईडीवी में डेप्रिसिएशन कट जाता है कि जैसे मान लो आपने पांच साल व्हीकल यूज किया है तो पांच साल के हिसाब से जो है इंश्योरेंस कंपनी उस पर डेप्रिसिएशन लगा देगी और जितनी बची हुई वैल्यू है उसका आपको जो है क्लेम मिल जाएगा। ये सब होते हैं मेथड्स कि कौन सा आप चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जब भी आप इंश्योरेंस लें तो आप काफी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके कंज्यूमेबल आइटम्स, वियर एंड टियर वाले आइटम्स जो है कवर नहीं होते। ये सब एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है। काफी बार ऐसा होता है कि लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं और जब उनकी गाड़ी डैमेज होती है फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास काफी ज्यादा खर्चा आ चुका है। वो इस वजह से होता है क्योंकि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है
कंज्यूमेबल और वियर एंड टीयर आइटम्स कवर नहीं होती हैं। अब कंज्यूमेबल्स में क्या आता है, वेल जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, नट बोल्ट्स हो गए, इंजन के प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, ये सारे हो जाते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। जब आपका इंजन पूरा डैमेज हो जाता है तो ये सब चीजें जो है नहीं लगाई जाती है और इस चीज का पैसा आपसे लिया जाता है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने जो है इंश्योरेंस क्लेम लिया था, उसकी गाड़ी डैमेज हो चुकी थी, तो उसको जो है सारे कंज्यूमेबल आइटम्स उसके उसमें कवर थी, तो इस वजह से उसका काफी पैसा जो है बच गया था, उसे खुद से जो है कुछ भी नहीं देना पड़ा था। ऐसी जो है आप वियर एंड टीयर्स कवर करवा सकते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स कवर करवा सकते हैं, काफी चीजें आप जो है ऐसी कवर करवा सकते हैं। बस आप लेते वक्त अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछ लीजिएगा कि मेरे उसमें क्या क्या कवर है, या आप एक बार जो है टर्म्स एंड कंडीशन सारी पढ़ लीजिएगा इंश्योरेंस कंपनीज की। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है ये कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना परसेंट क्लेम देती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको 50% क्लेम देंगे, 60% क्लेम देंगे। इसका मतलब ये होता है जैसे आपकी गाड़ी डैमेज हुई तो 40% जो है वो आप पे करेंगे और 60% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यहाँ पे भी हमें टर्म्स एंड कंडीशंस में ही ध्यान रखना पड़ता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना परसेंट क्लेम देती है हमारी हमारी गाड़ी के थेफ्ट पे, या फिर हमें जब भी हमारी गाड़ी डैमेज हो जाए। तो इन चीजों का जो है आप हमेशा इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए और हमेशा जो है इंश्योरेंस एजेंट से पहले कंफर्म कर लीजिए कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या कवर है। अब सबसे लास्ट बात जो आती है वो आती है दो बातें, जब क्लेम लेने की बारी आती है कि क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी दो तरीकों से देती है, एक होता है कैशलेस वे, एक होता है रीइंबर्समेंट वे। अब ये आप चूज नहीं कर सकते, ये इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती है और जो हमने पहले पॉलिसीज देखी उसमें भी हर इंश्योरेंस कंपनी डिपेंड करती है। मतलब जैसे कोई आप टाटा AIG का ले रहे हैं तो उनकी अलग पॉलिसीज होंगी, आप रिलायंस का ले रहे हैं तो उनकी अलग पॉलिसीज होंगी, तो ऐसे जो है अलग अलग पॉलिसीज होती हैं हर इंश्योरेंस कंपनी की। आप जो है हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए हमेशा पॉलिसी लेने से पहले। तो कैशलेस और रीइंबर्समेंट दो तरीके होते हैं क्लेम लेने के। कैशलेस में क्या होता है, कंपनी और गैरेज की डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होती है, जैसे आपकी गाड़ी डैमेज हुई तो आपने दे दी किसी गैराज को, यानी कि मान लो आपने सर्विस सेंटर पे गाड़ी दे दी तो आपको वहां पे कुछ भी पे नहीं करना होता, इंश्योरेंस कंपनी जो है डायरेक्ट सर्विस सेंटर को पे कर देती है जितना भी बिल आता है। और दूसरा जो है रीइंबर्समेंट वे होता है, वहां पे जो है पहले आपको पे करना होता है, उसके बाद आप बिल्स वगैरह जो है इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करते हैं, वहां से जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है, यानी कि आपको जो है आपका पैसा एक बारी के लिए जाता है। तो ये सब चीजें जो है हमें इंश्योरेंस लेने से पहले जाननी होती है। और अगर आप भी जो है इंश्योरेंस में अच्छी डील्स लेना चाहते हैं या अच्छे पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशंस लेना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर छोड़ रहा हूँ, वहां पे आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको जो है अच्छी डील वहां पे मिलेगी। तो मेरे हिसाब से कि क्या क्या चीजें आपको जो है वो चेक करनी चाहिए हमेशा इंश्योरेंस लेते वक्त, वो है कि आप जो है कंज्यूमेबल आइटम्स कवर करवा लीजिए, आप वियर एंड टीयर कवर करवा लीजिए, आपका जो है 100% उसमें क्लेम होना चाहिए, ये ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 60% दे रही है या फिर आपको 50% दे रही है, तो वहां पे जो है इंश्योरेंस लेने का कुछ मतलब नहीं बनता। और आखिरी पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा ज्यादातर जाना चाहिए कैशलेस वे पे, क्योंकि वहां पे जो है आपका पैसा, क्योंकि देखिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले पैसा दिया, वहां पे आपने खर्चा किया, वहां पे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि आप पहले इंश्योरेंस पॉलिसी को पैसा दें फिर बाद में जब आपकी गाड़ी ठीक हो जाए तो आप वहां भी पैसा दें। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो है कैशलेस इंश्योरेंस के साथ जाइए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो तक के लिए गुड नाइट।